पुष्कर के खिलाफ एक प्रस्ताव पर वोट देना था, उसके लिए पंकज पुष्कर को विप लगाया कि तुम अपने खिलाफ वोट दो नाम लेके। ये जो एमएलए एमपी को गुलाम बनाने और हमारी संसद और विधानसभाओं का अवमूल्यन करने का जो तरीका चला है, उससे ये पार्टी अलग होगी। ये पहली पार्टी है जो सारी प्रक्रिया से अलग होती है। स्वराज इंडिया वो पार्टी है जो लिख के अपने सदस्यों को राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है। सदस्यता हमारी बात से असहमति है वो कह सकता है, बस उसे ये कहना पड़ेगा कि भाई मेरी पर्सनल राय है, संगठन की राय नहीं है, लेकिन वो कह सकता है। और केवल एक्सप्रेशन अलग होने, केवल समझ अलग होने के आधार पे उस पर कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये पार्टी है जो इस देश में चुनाव में नए तरह का प्रयोग करने जा रही है। ये जो इस देश की हर पार्टी में टिकट के लिए नेताजी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, नेताजी के घर जाओ, नेताजी को शक्ल दिखाओ, काम करो या ना करो फेसबुक पे जरूर डाल दो और देखो कि नेताजी तक फेसबुक पहुंच गई है कि नहीं पहुंच रही है वो वाली फोटो, वो व्हाट्सएप नंबर नेताजी कौन सा यूज करते हैं वो जरूर हो जाए, उन तक पहुंच जाए। और थोड़ा एक बार मिलके मिठाई का डब्बा जरूर दे आए। सर वो आप याद है ना चेहरा, मैं वहां से आया हूं जी, आपको याद है कि क्यों होता है? क्योंकि सारी पार्टियां टिकट बांटने की दुकान बन गई है। स्वराज इंडिया इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला है। हम नहीं जानते प्रयोग कितना सफल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो माफी मांगेंगे, सीखेंगे, बदलेंगे। मैं नहीं कह रहा कि हम 100% ये कर पाएंगे, लेकिन जिसको दुनिया में प्राइमरी का सिस्टम कहा जाता है, यानी कि पार्टी के नेता लोग तय नहीं करके टिकट किसको मिलेगा, वहां बैठा हुआ कार्यकर्ता और जनता तय करती है कि टिकट किसको मिलेगा। स्वराज इंडिया इस दिशा में कदम उठाएगा। मैं फिर आपको कह दूं, अभी बना बनाया मॉडल नहीं है, हमें सीखना पड़ेगा, कुछ बदलना भी पड़ सकता है, लेकिन इरादा बिल्कुल साफ है कि ये जो टिकट बांटने की दुकान है इसे बंद करना है और दूसरों की भी ये दुकान बंद करवानी है। कानून में तो हमने कई चीजें लिख दी, हमने स्टेबलिज्म भी लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन भी लिखा है, सब चीज लिखी है, लेकिन सिर्फ कानून में सुंदर लिखने से कोई पार्टियां अच्छी नहीं बन जाती। हमने देखा ऐसी पार्टियों को जिनके संविधान के अंदर लोकपाल के बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी थी, लेकिन उस संविधान और लोकपाल को कूड़ेदान में डालते हुए एक दिन नहीं लगाते। ये तभी बच सकता है अगर हम सब अपने व्यवहार से, अपने काम से ये साबित कर सकें कि हम उसके लायक हैं। और इसलिए मैं आप सबको दो तीन अनुरोध करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि इस कमरे में बहुत भीड़ है। वैसे हमारा इरादा शुरू में केवल 100 साथियों को आमंत्रित करने का था, लेकिन जब से यह हुआ कि 2 अक्टूबर को फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, अजीत भाई के फोन बजने शुरू हो गए, मेरे फोन बजने शुरू हो गए, मैं समझता हूं सब साथियों के फोन बजने शुरू हो गए, भाई वो मेरे को क्यों नहीं बुला रहे, क्या बात है भाई, मैं तो काम कर रहा हूं, ऐसी क्या बात है। तो ना ना करते हुए रोकते रोकते भी 500 साथी आए यहां पे, आमंत्रित होकर आए। और अच्छी बात है, कुछ समय होता है जिसमें भीड़ अच्छी होती है, चुनाव के वक्त, शादी के वक्त भीड़ बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं आप सबके जरिए से पूरे देश भर में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो यहां नहीं आ पाए हैं, हालांकि दूर दूर से साथी आए, मैं सलाम करना चाहता हूं साथियों का, जो केरला से आए, जो तमिलनाडु से आए हैं, जो कर्नाटका से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, असम और बिहार से आए हैं, बंगाल से आए हैं, ये दूर दूर से जो साथी आए हैं उनका विशेष रूप से नाम ले रहा हूं ताकि इनको आने में कितना कष्ट हुआ होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां से अधिक साथी नहीं आ पाते। आप सबके जरिए मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं। पहला, ऊपर से किसी निर्देश का इंतजार मत कीजिए।
पार्टियां तब नहीं बनती जबकि ऊपर से हुक्म जाता है कि तुम ये करो और कार्यकर्ता उसको कर देता है। पार्टियां तब बनती हैं जब कार्यकर्ता देखता है कि समाज में सड़क पे इस चीज की जरूरत है, जाके उसे कर देता है और बाद में कहता है कि मैंने कर दिया था, इसको और भी जिलों के अंदर लेके जाओ। जहां जहां अन्याय है, जहां जहां संघर्ष करने की जरूरत है, उसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तमिलनाडु और कर्नाटका का झगड़ा है तो उसमें जरूर पूछ लेना अपने तमिलनाडु के साथी से, लेकिन अगर कर्नाटका के बड़े इलाकों में सूखा आज पड़ रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, आज भी सूखा है हिंदुस्तान में, समझते हैं इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है, सूखा है इस साल भी, वहां पे क्या करना है, उसके लिए दिल्ली के आदेश की कोई जरूरत नहीं है। एक सच्चे डिसेंट्रलाइजेशन का यह भी मतलब है कि हम अपना एजेंडा खुद तय करें, हम आगे बढ़ें। दूसरा, फंड्स की बात आनंद जी ने मुझे बोलनी सिखाई है। यदि हम फंड्स इकट्ठे नहीं करेंगे तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। शांति भूषण जी ने अभी कुछ बोला जिससे मुझे उत्साह मिला। शांति भूषण जी ने अपने उद्बोधन में आप सबको कहा, क्या कहा, कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कुछ कर रहा है। अभी इसके कोई औपचारिक राय नहीं बनी है, कोई मीटिंग नहीं हुई है अभी प्रेसिडियम की या किसी की भी, लेकिन मुझे नहीं लगता शांति भूषण जी की बात को कोई टाल सकता है। दिल्ली एमसीडी का चुनाव आएगा, दिल्ली का कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां लोग आपका इंतजार नहीं कर रहे। मैं विश्वास से बताता हूं, मैं जिस जिस वार्ड में गया हूं, हर जगह पे लोग आके पकड़ के लंबा रोना रोते हैं, भाई साहब जब अन्ना आंदोलन था तब मैंने ये किया था, बिजली वाले आंदोलन में ये किया था, वो किया था, और आज आज मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं है। दिल्ली के हर वार्ड में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जो आपका इंतजार कर रहा है, आपको उस तक पहुंचना है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कुछ फंड चाहिए। बोनी 5,01,000 की हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो बोनी है। अगर यहां मैं देख लो हमारे कितने साथी हैं जो समझते हैं कि दिल्ली एमसीडी में हमें कुछ सकारात्मक इंटरवेंशन करना चाहिए, हमें दखल देना चाहिए, जो साथी समझते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में हमें कुछ करना चाहिए, कुछ के तो दो दो आप खड़े हुए मैं देख रहा हूं जी। तो अब आप सुन लीजिए, जिस जिसने हाथ उठाया है वो सब कोष की व्यवस्था करेंगे। चुनाव में जाने के लिए, ईमानदारी से लड़ने के लिए, मैं बिल्कुल दो नंबर के धंधों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा भैया, पोस्टर तो छपवाओगे, पैंफलेट तो लेके जाओगे, सामने आप तो लगाओगे, फोटो कल्चर हमने बंद कर दिया है, यहां पे देखिए किसी का फोटो नहीं है, पिछले साल भर से हम संगठन में इस पर संघर्ष कर रहे हैं कि बगैर फोटो के हम चलाएंगे अपने संगठन को, फोटो नहीं लगाएंगे, लेकिन प्रचार तो करेंगे ना। तो उसके लिए मैं एक छोटा अनुरोध करता हूं, ये अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, त्योहार का महीना है, इस अक्टूबर का महीना समाप्त होते होते दिवाली का दिन आते आते आप स्वराज इंडिया के लिए 1 करोड़ का फंड इकट्ठा किया। ये फंड इकट्ठा करने में कौन कौन योगदान देगा, मैं उनका भी हाथ देखना चाहता हूं। अरे वाह आनंद जी, ये तो आपके देखिए तो छूट लग गई है, आपने तो सबको लग गई है। दोस्तों, ये वो भावना है जिसने इस आंदोलन को जिंदा रखा। वो लोग जो सत्ता को ठुकरा के आए, वो लोग जो प्रलोभन को छोड़ के आए, वो साथी, मैं जानता हूं दर्जनों सैकड़ों युवा साथी जो तमाम तकलीफ सहते हुए अपने घर में गालियां सुनते हुए, मम्मी पापा को कभी कभी फोन पे झूठ भी बोलते हुए, 24 घंटा स्वराज अभियान को देके काम कर रहे थे, जिनके प्रयास से, जिनके दबाव से, जिनके आग्रह से आज हम स्वराज इंडिया के मुकाम पे पहुंचे हैं, ये लोग हैं जिन्होंने इस सपने को जिंदा रखा है, जो इसे आगे लेके जाएंगे,
आपके धैर्य के बाद परीक्षा नहीं लेना चाहता, यहां शायद एसी भी ऑफ हो गया है, थोड़ी देर में हम सबके लिए बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। बस एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि राजनीति, हम आज एक राजनीतिक दल बना रहे हैं इसलिए नहीं कि राजनीति हमारे लिए कैरियर है। हमारे लिए राजनीति कैरियर नहीं है, हमारे लिए राजनीति धंधा नहीं है, हमारे लिए राजनीति एक मिशन है, एक धर्म है। मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति युद्ध धर्म है, और ये स्वराज का विचार जो आप इस पुस्तक में देखेंगे, ये स्वराज का विचार हमारे लिए इस युग धर्म की परिभाषा है। इस स्वराज के विचार को लेके, इस युग धर्म को लेके, इस संकल्प को लेके हम देश में आगे बढ़ेंगे, सच बोलने से नहीं डरेंगे। और यहां मीडिया के कुछ साथी भी हैं, आपको भी मैं आश्वासन देना चाहता हूं, आप भी झूठ सुन सुन के लोगों के तंग आ गए होंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये स्वराज इंडिया पार्टी, इस देश की पार्टियों में जो झूठ बोलने का प्रचलन हो गया है, उससे अलग होकर कुछ सच्चाई की बातें करेगी। और अगर उस सच्चाई का मतलब अपने विरोधियों की प्रशंसा करना हुआ, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। राजनीति का मतलब ये तो नहीं होता कि हर वक्त आप दूसरों की केवल आलोचना करते रहें। जिस तरह के ड्रामे दिल्ली में होते हैं, वो परेशान करते रहे, हम चुगली करते रहे। क्या हो क्या रहा है ड्रामा इस तरह का। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ये सब काम नहीं करेंगे, एक नई तरह की राजनीतिक संस्कृति की स्थापना करेंगे, एक नए तरह के राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा करेंगे, एक नए राजनीतिक विचार, एक नए राजनीतिक दर्शन को खड़ा करके इस देश में एक नई राजनीतिक ऊर्जा पैदा करेंगे। आपने जिस व्यक्ति को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना है, वो शायद उसके काबिल नहीं है, कम से कम मुझे नहीं लगता। जितनी चुनौती है, जितनी जिम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए मैं कितना काबिल हूं मैं नहीं जानता। इसलिए मैं आप सबसे बड़ी अनुरोध करना चाहता हूं, जो कल मैंने कार्यकारिणी के साथियों से किया, जो कल मैंने प्रेसिडियम के साथियों से किया, यहां बैठे हुए दोस्तों से किया, कि मुझ में, अजीत भाई में, फहीम भाई में जितनी भी कमियां हैं, उसको आप पूरा कीजिए। आप समझ लीजिए कि आप फहीम हैं, आप समझ लीजिए आप अजीत हैं, और आप समझ लीजिए ये खोटा सिक्का जो योगेंद्र है, इसको मेरे को ही ठीक करना है, मुझे ही इसको पूरा करना है। सब लोग मिलकर इसे पूरा करेंगे, हम सब लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, और मुझे विश्वास है आज की राजनीति में जहां सब लोग सिर्फ 3-3.5 साल के बाद बारे में सोचते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं सोचता, ऐसी राजनीति में हम इस देश में एक राजनीतिक ताकत खड़ी करेंगे जो इस देश के 50 साल के भविष्य के बारे में सोचती है। ऐसे कार्यकर्ता खड़े करेंगे जो अपने जीवन का संकल्प लेके करेंगे राजनीति करेंगे, ऐसे विचार और नीतियां बनाएंगे जो दीर्घकाल में इस देश में लागू हो सके। दोस्तों, आज देश के अलग अलग कोने से आप लोग आए, इस एक खूबसूरत सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए हम सब लोग आए, और जब हम जाएंगे, अपने अपने इलाके में जाएंगे, मैं देखता हूं कश्मीर से हमारे साथी इतना रिस्क लेते हुए यहां पे आए हैं, जब हम अपने अपने इलाके में जाएंगे, एक नया विश्वास लेके जाएंगे, एक नया संदेश लेके जाएंगे, राजनीति में एक नई आस्था पैदा करेंगे। आनंद जी मुझे याद दिलाते हैं, मैं कई बार कहता हूं, मेरा सपना है कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे टी शर्ट पहन के घूमें, कि मुझे राजनीति में आस्था है, आई लव पॉलिटिक्स। ये हमें करना है, ये करना बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
हम ये काम करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो बेटे मेरे साथ कहिएगा, हम सब लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।